नमस्कार, मैं हूं नीतू और हमारे नए YouTube चैनल झारखंड स्प्राइड में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। स्वागत करती हूं उन सभी व्यूवर्स का जिन्होंने हमारे झटपट हैशटैग नीतू शंकर चैनल को उसके मुकाम हासिल करने में मदद की। हमारे इस नए चैनल झारखंड स्प्राइड्स के माध्यम से हमने झारखंड की खूबसूरती को कुछ लिमिट में दर्शाने की कोशिश की है। हाँ, पूरी तरीके से तो हम नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जहाँ तक भी हो सके झारखंड की खूबसूरती को, छोटी छोटी खूबसूरती को, छिपी हुई खूबसूरती को आप सबों के सामने उजागर करूँगी। झारखंड एक बहुत खूबसूरत सा स्टेट है, प्राकृतिक छटाओं से परिपूर्ण है। झारखंड की राजधानी रांची अतुलनीय है, तो आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से रांची की सैर करते हैं। रांची शहर पहाड़ों पर बसी हुई है, बहुत ही खूबसूरत सी शहर है, वेल प्लान्ड शहर है। किसी समय में इसे हिल स्टेशन कहा जाता था, पर आज की जो रांची है वो हिल स्टेशन वाली वो मज़ा नहीं है, क्योंकि काफ़ी डेवलप्ड हो गई है। बहुत सारे यहाँ बिल्डिंग्स बन गए हैं और बहुत डेवलपमेंट हो गई है। पर हाँ, जो सबर्ब इलाके हैं ना, वो आज भी काफ़ी ठंडी है। स्पेशली यहाँ की जो वेदर है वो माइंड ब्लोइंग वेदर है। दिन में जब आपकी कड़ी धूप रहेगी तो उसकी कोई वारंटी नहीं है कि वो धूप कितनी देर रहने वाली है, क्योंकि अगले ही क्षण यहाँ बारिश हो जाती है और बारिश भी बहुत जोरों की होती है। और जब भी बारिश होती है ना, तो यहाँ की मौसम काफ़ी ठंडी हो जाती है। इसे छोटा नागपुर या संथाल परगना के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के जो बसिंदे होते हैं ना, संथाली लोग, उन लोगों की वेशभूषा थोड़ी अलग होती है और ये बहुत मन के निर्मल होते हैं और बहुत मिक्सिंग नेचर के होते हैं। किसी ज़माने में खेती इनके जीविकोपार्जन का सहारा था, पर अब इनके रहन सहन काफ़ी मॉडिफाई हो गए हैं। ये जो फूड आइटम डिस्प्ले हो रही है ना, इसका नाम है धुसका। ये चावल और दाल के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती है। जी हाँ, ये एक फ्राइड पैनकेक है। इसे चटनी के साथ खाई जाती है, आलू और चने की सब्जी के साथ खाई जाती है, दही के साथ खाई जाती है और खाने वाले तो इसे नॉनवेज के साथ भी खाते हैं। इसे चावल की चीला, छिलका या पपड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये सिर्फ चावल को पीसकर बनाया जाता है। ये खाने में इसकी टेस्ट न्यूट्रल होती है, पर बहुत स्वादिष्ट होती है। और ये जो फूड आइटम है, इसे कहते हैं पीठा। ये स्टीम्ड पीठा होती है, अंदर दाल की पुलिंग भरकर इसे बनाई जाती है। ये भी जो है ना, खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, जिस तरीके से भी आप बनाइए, सब्जियों के साथ या फिर मीठी भी बनती है तिल और गुड़ के साथ। ये जो पेंटिंग डिस्प्ले हो रही है, इसे सोहराय पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ की खास प्रचलित पेंटिंग है। इसे यहाँ के जो ट्राइबल पीपल हैं वो अपने घर को मिट्टी से बनाते हैं और उसमें इस तरह के पेंटिंग्स लगाते हैं। ये हाथ से बनाई जाती है। देखिए, एक ओल्ड एज महिला कितने प्यार से इस पेंटिंग को बना रही है। यहाँ खासकर सबर्ब इलाके में इस तरह की पेंटिंग्स देखने को मिलती है। और ये है उपला, जो गाय के गोबर से लोग अपने घर के दीवार पर लगाते हैं। इस उपला को जलाकर ये अपनी भोजन पकाते हैं, और भी बहुत तरह की उपला काम में आती है। झारखंड जो है ना, खासकर रांची, प्राकृतिक छटाओं से परिपूर्ण है। यहाँ बहुत सारे वाटरफॉल पाए जाते हैं, जैसे कुछ वाटरफॉल हैं हुंडरू वाटरफॉल, जोनहा वाटरफॉल, दशम फॉल, हिरणी फॉल, इस तरह के 5-6 तरह के वाटरफॉल यहाँ मिलते हैं। यहाँ के जो दृश्य होते हैं ना, काफ़ी मनोरम होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। एक बार अगर आप आ जाएंगे यहाँ घूमने, तो फिर यहाँ से जाने को दिल ना करेगा, क्योंकि ना यहाँ खाने की प्रॉब्लम है, ना यहाँ रहने की प्रॉब्लम है। वेल डेवलप्ड इलाका है रांची। में आप इस तरह के मनोरम दृश्यों की भी मजा ले सकते हैं और यहाँ रांची शहर की भी मजा ले सकते हैं। ये जो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से ये जो वाटरफॉल गिर रही है, ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है।
शब्दों में इसे बयां नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी। कहते हैं कि इन स्वर्ण रेखा नदी की जो जल है ना, यही पहाड़ों के ऊपर से गिरती है और वाटरफॉल का रूप धारण कर लेती है। इसकी जो फ्लो है ना, बहुत हाई होती है और बहुत खूबसूरत होती है। स्पेशली रेन सीजन में जब बारिश होती है तब वाटरफॉल की जो करंट है ना, काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि पानी ज़्यादा मात्रा में गिरती है। लोग इस तरह के वाटरफॉल्स को देखने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। एक बार आइए जनाब रांची के शहर कीजिए और फिर सारी जिंदगी रांची को आप याद रखेंगे। रांची हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के लिए फेमस था। ये है HEC की कॉलोनी, जो बहुत पुरानी भी हो चुकी है और थोड़ी थोड़ी अबंडन भी होती जा रही है। ये है धुरवा डैम। हमारी जो HEC कॉलोनी है ना, इस कॉलोनी का जो एरिया है, इस एरिया का नाम है धुरवा। यहाँ पर एक पानी की डैम है जो कहते हैं नेचुरल डैम है। काफ़ी गहराई वाली डैम है और बहुत खूबसूरत है। वहाँ का जो दृश्य है ना, बहुत मनोरम है, बहुत खूबसूरत है। ये है रांची की डेली मार्केट। ये थोक और खुदरा विक्रेताओं के लिए फेमस मार्केट है। ये जो है रांची के मेन रोड इलाका में है, जो बहुत बिजी रहता है। ये है रांची की हाई कोर्ट, जिसकी बिल्डिंग अंग्रेजों की बनाई हुई है और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। ये है रांची मेन रोड का चर्च कॉम्प्लेक्स, जो बहुत ही बिजी मार्केट है। यहाँ हर तरह के ब्रांड्स पाए जाते हैं। यह है रांची का द फेमस फिरायालाल। फिरायालाल चौक बहुत पुरानी जगह है और बहुत फेमस है। ये रांची में नई क्रिकेट के स्टेडियम बनी है, जो देखने में बहुत खूबसूरत है। यह रांची के जगन्नाथपुर टेम्पल के जस्ट अपोजिट में है। यह है रांची का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, जो बहुत ही खूबसूरत है। यह है रांची का खेलगांव स्टेडियम, जो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए फेमस है। यह है रांची का फेमस राजेंद्र मेडिकल कॉलेज और साथ ही सबसे फेमस रांची की ये मेंटल असाइलम। यहां से शुरू होती है रामगढ़ वैली की शहर। देखिए कितनी खूबसूरत ये रामगढ़ वैली है, जो रांची को पटना से कनेक्ट करती है। बहुत ही खूबसूरत है, पूरे पहाड़ों के किनारे किनारे ये रोड बनी हुई है। ये है पतरातू थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसकी लेक है और इसकी एक नई रिजॉर्ट बनी है। ये भी बहुत खूबसूरत है, काफ़ी मनोरम दृश्य है यहाँ का। इसे बहुत झारखंड गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, लोग यहाँ दूर दूर से घूमने आते हैं। ये जो पतरातू डैम है ना, ये भी बहुत बड़ी डैम है और बहुत खूबसूरत है। ये रांची का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है द टैगोर हिल, जो पहाड़ों पर है और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर बनाई गई है। ये है रांची का फेमस रॉक गार्डन, जहां नेचुरल रॉक्स पर बने हुए ये गार्डन है। ये है रांची के बुंडू इलाके में स्थित सूर्य मंदिर। सात घोड़ों पर सवार ये सूर्य भगवान की मंदिर देखने में बहुत खूबसूरत है, काफ़ी मनोरम है।
दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आते। ये है रांची की आजकल की फेमस देवड़ी मंदिर, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से ज़्यादा ये मंदिर प्रचलित हो गई है। ये है रांची का फेमस रुक्का डैम, जो अपनी खूबसूरती के लिए काफ़ी फेमस है। दूर दूर से लोग यहाँ घूमने और विंटर्स में पिकनिक मनाने को आते हैं। ये है रांची के धुरवा इलाके में स्थित जगन्नाथपुर टेंपल, जो बहुत पुरानी टेंपल थी। इसकी बिल्डिंग हालांकि टूट गई थी, जो 2013 में फिर से बनाई गई। बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो एक बार आप सभी रांची अवश्य आएं और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का मजा लें। फिर मिलते हैं इस तरह के नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।